ऐसा कौन सा ऊर्जा है जो महंगा नहीं है, ये बताइए। पेट्रोल जो निकालते हैं वो महंगा नहीं है, वो तो बहुत 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 ज्यादा महंगा है। इसमें तो आपकी महंगाई कम होती है, तो इसीलिए ये रिलेटिव नजरिए से देखना पड़ेगा। छोटी छोटी क्वेरी थी कि जो हॉट स्प्रिंग्स इंडिया में आपने बताया मोस्टली 50 से 75 डिग्री सेल्सियस एंड 75 से 100 डिग्री सेल्सियस वाले ये है यूजफुल है, तो उसमें जो जो मेन सोर्स है हीटिंग का आपने बताया, जैसे रेन जब बारिश होती है और वो परकुलेट करता है नीचे जाता है हीटअप होता है एंड देन जहाँ से भी उसको फॉल्ट या इस तरह का मिलता है वहाँ से निकलता है। सो इसमें मतलब अगर किसी साल जैसे बारिश कम हो या मानसून कम हो सो इसकी निरंतरता बनी रहेगी, निरंतरता पे प्रभाव पड़ेगा पड़ेगा। और दूसरी चीज की जो 50 से 75 डिग्री सेल्सियस वाला रेंज था उसमें कई सारे जहां पे हमने वो ग्रीन कलर पे वो देखे थे, सो उसकी यूजेबिलिटी कितना, जो कि टेंपरेचर उसमें क्या कहते हैं कि बाइनरी प्लांट एक होता है ऑर्गेनिक रैंकिन साइकिल जो बोलते हैं, उसमें उसमें क्या होता है कि आपका अगर मान लीजिए आपका टरबाइन चलने के लिए 100 डिग्री 120 डिग्री का भाप चाहिए, स्टीम चाहिए, आपका पानी का स्रोत जो है वो 75 डिग्री का, राइट? 75 डिग्री में आपका टरबाइन डायरेक्टली नहीं चलेगा, तो आपको उसको भाप में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे सेकेंडरी फ्लूइड्स है, सेकेंडरी तरल पदार्थ है, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है काफी कम होता है, ठीक है? जैसे अमोनियम और भी कई फ्लूइड्स होते हैं, तो ये जो पानी 75 डिग्री से लाकर उस सेकेंडरी फ्लूइड के पास से पास कराएंगे तो वो जो है इवापोरेट होकर स्टीम बनेगा और वो स्टीम को आप टरबाइन में पावर प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो इसमें टेम्परेचर जितना कम होगा आपका उतना इस प्रोसेस का एफिशिएंसी जो है कम होगा, लेकिन टेम्परेचर अगर ठीक ठाक है तो इसकी एफिशिएंसी ठीक रहेगा। स्टीम प्लांट के जैसा नहीं होगा, जहाँ पर गीजर है, फ्यूमरोल है, वो येलोस्टोन नेशनल पार्क जैसा हालत यहाँ नहीं है, तो उसके बारे में सोचने से जरूरत नहीं है। आइसलैंड की तरह नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम क्यों सोचें, जो है उसको हम यूज करें। तो जैसे आपका ये हमारा जो NIOT में एक ये हो रहा है, आप सुने होंगे, लो टेम्परेचर थर्मल डिसेलिनेशन, जो ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी जो है सामुद्रिक पानी से पीने का पानी निकाल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो ए टेक्नोलॉजी है, वहाँ भी सेकेंडरी फ्लूइड यूज करते हैं और सेकेंडरी फ्लूइड से वो पानी को, सामुद्रिक पानी को लेकर वेपराइज करते हैं, इवापोरेट कर, फ्लैश इवापोरेट बोलते हैं उसको, और उससे जो है आप पानी को ठंडा कर आपको क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर मिलता है और बाकी जो वेस्ट है वो वाटर फिर नीचे चला जाता है। तो टेक्नोलॉजी बहुत डिफरेंट नहीं है, बहुत मतलब एक ही जैसा टेक्नोलॉजी है, तो ये पॉसिबल है। जैसे टेम्परेचर जब नीचे जाते हैं तो बढ़ता ही है ना, मतलब बढ़ता है, जैसे बढ़ता है के साथ, तो अगर मैग्नेटिक सोर्स नहीं भी है तो भी इसका यूज तो भी उसका है, लेकिन अगर आपको 5 किलोमीटर नीचे से पानी को लाना पड़ेगा तो काफी महंगा हो जाएगा ना। पानी अगर अपने से आ रहा है जैसे झरने हुए, स्टीम हुए, गीजर्स है, वहाँ पानी अपने से आ रहा है, वहाँ आपको खर्च नहीं लग रहा है, लेकिन EGS जो एनहांस जियोथर्मल सिस्टम की बात कही मैंने, एक ड्रिप कीजिए, दूसरा से पानी निकालिए, ये काफी महंगा अफेयर है, लेकिन बहुत सारे सर्वे भी करने, लेकिन देखिए साइंस आगे बढ़ेगा कैसे, एक्सपेरिमेंट तो करने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा सिस्टम को, तभी तो आगे बढ़ेंगे। अगर वो नीचे इस तरह के काम नहीं हुए होते तो आज पेट्रोल आप निकाल नहीं पाते, पेट्रोल जो आसानी से निकलने वाला पेट्रोलियम था वो ऑलरेडी निकल गया है। अब क्या कर रहे हैं कि नीचे में पारगम्यता उसको बढ़ा रहे हैं, परमेबिलिटी को आर्टिफिशियल फ्रैक्चरिंग करके, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग करके नीचे परमेबिलिटी बढ़ा रहे हैं ताकि तेल जो है चारों तरफ से आकर वो हम उसको निकाल पाए। तो ये सारा टेक्नोलॉजीज जो है
इसके कई फायदे हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, लेकिन इसी तरह से तो आगे बढ़ते हैं। हम अगर कुछ ना करें तो वो तो कोई सोल्यूशन हुआ नहीं। बिजनेस एज यूजुअल इज द वर्स्ट सिनेरियो। कभी भी किसी चीज में बिजनेस एज यूजुअल नहीं रहना चाहिए, फिर आगे नहीं बढ़ेगा जिंदगी। लेकिन इस तरीके से पानी ऊपर लाने से हम धरती के सरफेस को ये कर रहे हैं, तो उससे अर्थक्वेक जैसा प्रॉब्लम आ सकता है। स्केल की बात है, किस स्केल में आप कर रहे हैं। जैसे जो मैंने फ्रैक्चर करके पानी निकालने की बात किया, शेल गैस एक्सट्रैक्शन आप सुने होंगे। फ्रैक्चर होगा तो हाँ, लेकिन आप जो कर रहे हैं इसमें शेल गैस एक्सट्रैक्शन आपने सुना होगा, कनाडा में अब इंडिया में भी होने लगा है। शेल गैस जितने भी ऑयल रिजर्वायर्स हैं उसमें शेल गैस अभी निकालने का कोशिश चल रहा है जहाँ जहाँ उपलब्ध है। शेल गैस निकालने के लिए फ्रैक्चरिंग जरूरत है, और अगर आप ज़्यादा फ्रैक्चर करेंगे तो आपको छोटे छोटे भूकंप आ सकते हैं। तो आपको उसके उसकी सावधानी जो है बरतनी पड़ेगी। उसके लिए मॉनिटरिंग का प्रावधान है, आप कर सकते हैं और कंट्रोल्ड वे में कर सकते हैं। लार्ज स्केल पे करने से कुछ भी हाँ राइट। तो अब टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी काफी एडवांस हो गया है, तो आपके पास वो कंट्रोल है, आप कर सकते हैं उसको कंट्रोल, और सभी जगह हो रहा है। तो आई थिंक कृष्णा गोदावरी बेसिन में शेल गैस का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो इतना ये नहीं है ना मतलब प्रॉब्लम आपको नहीं, वैसा कुछ तो नहीं हुआ। और ये मेजरमेंट भी कहा वो है, वो भी तो महंगाई है। तो महंगा करना ही पड़ेगा। आप बैलून छोड़कर ऊपर का जो एट्रोपोस्फियर और ये सब स्टडीज कैसे करते हैं, बैलून छोड़ते हैं ना, तो नीचे जाने के लिए कुछ प्रावधान तो होने चाहिए, नहीं तो आपको कैसे मिलेगा। तो वो तो करना पड़ेगा। जमीन के अंदर जो है, मैं तो ये कहता हूँ कि, और सिर्फ मैं नहीं सभी लोग जानते हैं कि ये जमीन के अंदर जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमारे ब्रेन तो उसके तुलना में बहुत बहुत हल्का चीज है। ब्रेन में जो हम बोलते हैं कि ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, पृथ्वी के नीचे अंदर सतह के अंदर जो है सिस्टम जो है वो तो और काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और आप उसको मापन तो आप जैसे कैसे करेंगे, आप सभी जगह आप एक ब्रेन आप कैट स्कैन कर लिए, आप आदमी को स्कैनर में घुसा दिए, आप वो स्कैन करके आपको बता दिया, आप पूरा पृथ्वी का स्कैन कैसे करेंगे। तो भू भौतिकी एकमात्र उपाय है जो आपको स्कैन तो नहीं देगा लेकिन काफी काफी जानकारी देगी बिना ड्रिल किए हुए। भू भौतिकी ही हाँ, भू भौतिकी का वही फायदा है। और भू भौतिकी से सारा चीज करने के बाद में कुछ ही जगह में आप ड्रिल कर सकते हैं, ड्रिल तो आप सभी जगह नहीं कर सकते है ना। तो भू भौतिकी बहुत जरूरी है, उससे हम सारा स्टडीज करके कुछ एरियाज को, इंटरेस्टिंग एरियाज को जूम करके वहां पर हम ड्रिलिंग कर सकते हैं। ड्रिलिंग तो आप सभी जगह नहीं कर सकते। सर जिज्ञासा, पहले तो बहुत ही ज्ञानवर्धक व्याख्यान था आपका, धन्यवाद। मैं जिज्ञासा ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जब टेक्टोन, हम लोगों ने ऐसे ज्योग्राफी में पढ़ा था कि टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता रहता है कंटिन्यूसली सब सरफेस में, तो अगर मान लीजिए कहीं पे कोई प्लांट ऐसे किया है और एनर्जी वहाँ पे, मतलब क्या ये पॉसिबल है कि जो हम एनर्जी का दोहन कर रहे हैं वो एक समय के बाद वहाँ पे कम होने लग जाए। हाँ, या बिल्कुल तो फिर वैसे प्रोविजन भी बनाने पड़ेंगे हमें। इसलिए मैं बोला कि जो दोहन जो है या यूटिलाइजेशन जो है हमें सुरक्षित, न सिर्फ सुरक्षित तरीके से करने की जरूरत है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल तरीके लगाकर करने की जरूरत है। इको फ्रेंडली वेज लगाना पड़ेगा, नहीं तो अब कोई भी संसाधन ले ले, इनफाइनाइट तो होता नहीं है। सौर ऊर्जा इनफाइनाइट है लेकिन बाकी संसाधन आपका इनफाइनाइट तो है नहीं, तो परिमाण उसका वो है, फिक्स है, तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए लोग कहते हैं ना कि सिर्फ संसाधनों का वो खोज और अन्वेषण ही नहीं, दोहन ही नहीं, हमें भी अपने जीवन शैली में
परिवर्तन करने की जरूरत है ना। आप सोचिए कि 5 साल पहले इस कमरे में शायद 20 डिग्री में एसी चलता था, आज अभी 20 डिग्री में नहीं चल रहा, अभी 25-24 इसके 25 के आसपास होगा। क्यों? क्योंकि हम इसमें सजग हो गए हैं, है ना। जापान में 26-27-28 डिग्री के से कम में एसी नहीं चलता है, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है उतना। ठीक है, बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन बहुत जरूरत भी नहीं है। आप 25-26 डिग्री में आप काफ़ी कंफर्टेबल रह सकते हैं। तो ये चॉइस तो हमें करना है, जीवन शैली में परिवर्तन तो मुझे करना है ना। सौर ऊर्जा है तो हम वॉशिंग मशीन में कपड़े क्यों ड्राई करें, क्यों सुखाएं? हम तो सौर ऊर्जा एक तार टांग देंगे उसमें, हम लोग बचपन से तो वही करते आए हैं। बट ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे भी हम बहुत सारे इंटरवेंशंस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत बड़े बड़े इमारतों को अगर एयर कंडीशनिंग हम इस तरह के भूता पूजा से कर सकते हैं जिसमें कॉस्ट भी नहीं है, तो काफ़ी काफ़ी फायदेमंद होगा। सोर्स क्या है आपका? जैसे आपका मैग्मेटिक सोर्स, मैग्मेटिक हीट सोर्स जो है उसको ठंडा होने में 2-3-4 मिलेनियर से पहले नहीं होता। 2-3-4 मिलेनियर मतलब आपके कितने जीवन काल, मनुष्य के कितने जीवन काल हो गए, तो हम उसी लेवल पे बात कर रहे हैं। एक ना एक दिन तो खत्म होगा। पृथ्वी जो नीचे से वो सब कंटिन्यूअस, मैं बोला ना कि आप कहीं भी जाइए 50-60 मिलीवाट पर स्क्वायर मीटर जो है हीट निकल रहा है सरफेस से कंटिन्यूअस। कैसे आ रहा है ये? मेंटल जो है नीचे वो कूल हो रहा है, और जो हमारे क्रस्ट में रेडियो एक्टिव यूरेनियम थोरियम पोटेशियम से जो डिके हो रहा है, उससे जो हीट जनरेट हो रहा है वो हीट निकल रहा है। अब रेडियो एक्टिव हीट जनरेशन का मेन ये क्या है, कंपोनेंट क्या है? यूरेनियम थोरियम पोटेशियम। इसके हाफ लाइफ कितने होते हैं? बिलियन ईयर्स में होते हैं, बिलियन ईयर्स, 10^9 ईयर्स, राइट, हाफ लाइफ। तो एक ना एक दिन वो भी खत्म होगा, लेकिन वो हमारे आसपास नहीं है। और कोई प्रश्न? इसके बाद जब विशेष जलपान है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई ऑडियंस क्वेश्चन है यूट्यूब में या कहीं? हाँ, खोज रहा था, कोई है नहीं सर। मैंने ऑप्शन दिया था रेज हैंड का ऑप्शन यूज करिए, चैट बॉक्स का यूज करिए। एक्चुअली यूट्यूब के माध्यम से बहुत लोगों को जुड़ना था, बाद में माइक्रोसॉफ्ट टीम में जुड़े होंगे। मैं सर एक बार उनके नाम थोड़ा लेना चाहूँगा जिन्होंने ऑनलाइन जुड़ने का प्रयास किया था। संस्थान तो नहीं लिखा है, लेकिन इसमें मैं नाम पढ़ देता हूँ कौन कौन लोग हैं। अनघा, डॉक्टर जीडी नायडू, अजय, हमारे माननीय निदेशक महोदय डॉक्टर आर कृष्णन, रुपेश पाठक AAO ICR, कुमत ककोनिया विभागीय कलाकार केंद्रीय संचार ब्यूरो, संजय जय नारायण, सीमा सहाय वैज्ञानिक जी, नारी संस्थान का नाम है, वैष्णवी गोले, विजया नागपुरे सहायक निदेशक राजभाषा केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान, गगन बारी, चंद्र प्रकाश उपाध्याय, वैभव जैन, मयंक पांडे, सार्थक घोष, संजय कुमार, BSc गीता पटेल केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान शाला, साहिन शाहजहां, प्रदीप गौंडे, संजय तिवारी, महेश चोपड़े और डॉक्टर SR मारिगोदर NCCR। कुल 25 के आसपास लोगों ने ऑनलाइन इसमें जुड़े, और ये लोग तब जुड़े हैं जब उन्हें यूट्यूब लिंक नहीं दे पाए तो वो लोग स्विच किए माइक्रोसॉफ्ट पे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं। अब मैं अनुरोध करता हूँ हमारे डॉक्टर भूपेन बहादुर सिंह जी से कि आज जो ये व्याख्यान हुआ है उस पे एक फीडबैक अब हमारे सभी श्रोतागणों की तरफ से व्यक्त करें, आदरणीय वक्ता डॉक्टर सुकांत राय सर के लिए।
धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सर का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा आज की इस काफ़ी एक तरीके से सफल व्याख्यान के लिए, और बड़े शुद्ध और सारगर्भित हिंदी में उन्होंने ये हम लोग के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें एक बात बड़ी खास रही कि जैसे जब भी हम ऊर्जा के स्रोतों की बात करते हैं, भले वो नवीकरणीय हो या ना हो, जैसे कोल एनर्जी है या हमारे जो ऑयल गैस, इन सबसे जो एनर्जी मिलती है, उसके अलावा जियो थर्मल एनर्जी वाला जो जो एक बिंदु सर ने आज हम लोग के सामने प्रस्तुत किया, उससे जनरली हम लोग उतना परिचित नहीं रहते, क्योंकि हमें नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के रूप में सौर ऊर्जा, जो वायु ऊर्जा है, या ओशनिक हम लोग बोलते हैं एनर्जी जो यूटिलाइज करते हैं, तो उस ओर सर ने जो ध्यान आकर्षित किया वो बड़ा मतलब रोचक रहा। और उसमें भी एक खास बात ये रही कि भारत के अगर परिवेश में देखें तो जो कश्मीर के पास वाला जहाँ पर एरिया सर ने हम लोग को दिखाया कि हॉट स्प्रिंग्स बनती हैं, वेस्टर्न घाट्स में दिखाया, या कुछ उड़ीसा के पास जो जो ईस्टर्न पास्ट है पार्ट है अपने इंडिया का, वहाँ पर जो ये दिखाया कि हमारे पास सोर्स है बट उसकी टैपिंग, जो उसका पोटेंशियल है उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब उसकी टैपिंग नहीं हो पा रही है, ऑल्दो पोटेंशियल है बट उसकी टैपिंग नहीं है। तो एक ना एक किसी ना किसी तरीके से ये हमारे लिए एक जागरूकता का भी विषय है, और जो पीढ़ियां हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, इस विषय में जो लोग कार्य करेंगे उनके लिए भी एक मतलब एक भविष्य का आयाम खोलता है कि इस दिशा में भी काम किया जाना चाहिए और किया जा सकता है, नॉट ओनली फॉर मतलब एक तरीके से ऊर्जा के सोर्स के लिए, लेकिन मतलब भवनों को या जो हमारे ये होते हैं बिल्डिंग्स होते हैं उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, और इन सारी तरीके से। और अंत में सर ने मतलब एक और हमारा ध्यान आकृष्ट किया कि जैसे अर्थ का जो हमें अर्थ को और अच्छे से समझने की क्यों ज़रूरत है। एक तो अर्थ का जो क्लाइमेट है वो हम अभी आप सभी लोग इस फील्ड में है, तो अर्थ को अच्छे समझने के लिए हमें उसकी भूभौतिकी भी समझनी पड़ेगी कि अंदर से कैसे प्रोसेसेस हो रहे हैं, और अंदर से ऊपर जो लिंक है सब सरफेस प्रोसेसेस में और इमीडिएटली ओवरलाइंग ओशन या एटमॉस्फेरिक जो हमारा पार्ट है उसमें लिंक कैसा है, उसको समझने के लिए एक तरीके से हमको इसको एज अ सिस्टम, एज अ होल समझना पड़ेगा और आगे इस पर शोध करना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं मतलब सभी लोगों की ओर से सर को एक बार फिर से बहुत हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ ऐसे ही भविष्य में भी सर कुछ ना कुछ अनूठी चीज़ों पर हमें व्याख्यान देंगे जरूर। धन्यवाद सर। मैंने बस थोड़ा कोशिश की है हिंदी बोलने की, लेकिन कितना